वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ जी के एंड टूडेज टॉपिक इज फन विथ नंबर्स. लेट्स नो अबाउट दिस. सॉल्व द फॉलोइंग. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द ग्रिड गिवन अलोंग साइड इन सच अ वे दैट एवरी रो एंड कॉलम कंटेन्स द डिजिट्स 1 to 6. रिमेंबर द सम ऑफ द डिजिट्स इन ईच रो एंड कॉलम इज इक्वल. यहाँ पे एक चाकोर खाने वाला 6 by 6 कॉलम का एक स्क्वायर है और इसमें जो 1 से लेकर 6 तक की गिनती आपको ऊपर से नीचे और दाएं बाएं से दाएं या दाहिने से बाएं लिखनी है. लेकिन एक बात का ख्याल रहे, जब 1 से 6 के डिजिट में आप लिखेंगे तो इसमें कुछ नंबर्स ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं और इन नंबर्स को आप किसी भी रो में जो एक बार लिख देंगे आप उसको उसमें रिपीट नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक में आप देख रहे हैं 3 आ गया है, तो 3 को आप इधर भी नहीं रिपीट कर सकते और इधर भी रिपीट नहीं कर सकते. मीन्स 3 जिस ब्लॉक और कॉलम में लिखा हुआ है रो और कॉलम में, उस रो और कॉलम में वो नंबर, कोई भी नंबर जो है उस कॉलम और रो में रिपीट नहीं होगा. सो यहाँ पे जो है नंबर्स हैं 3, 1, 5, 2, 6, 4. इसमें कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं और इनको जोड़ने पे आपको, जैसे कि आपने फर्स्ट रो में आपने इसको लिख लिया और इसको जोड़ने पे इधर से और इधर से आपको जो है नंबर इक्वल आने चाहिए. सो 3, 1, 5, 2, 6, 4. 3 + 1 = 4. 4 + 5 = 9. 9 + 2 = 11. 11 + 6 = 17. एंड 17 + 4 = 21. तो जो है यहाँ से आपका जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ से यहाँ जो है आपका जो रो है, यहाँ पे आपको 21 आया. अब देखिए क्या इसमें भी आता है, 4 + 3 = 7. 7 + 5 = 12. 12 + 1 = 13. 13 + 2 = 15. एंड 15 + 6 = 21. तो आपने देखा कि रो और कॉलम में जो नंबर्स लिखे हैं उनके जो सम है वो बराबर में आ रहे हैं और यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये उनके साथ सब के साथ ऐसा ही है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द बॉक्सेस विद द डिजिट्स 1 to 9. यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं, 1 से 9 तक की संख्या से इसको भरना है. ए डायमंड शेप इन द मिडिल मीन्स दैट द 4 नंबर्स अराउंड इट एड टू 20. लेकिन एक ख़ास बात यह है कि जो डायमंड बने हुए हैं शेप हैं, जैसे ये येलो कलर का डायमंड है, ये है, ये है, ये जितने डायमंड्स आपको दिखा रहे हैं इसके चारों तरफ वाले हिस्से में, ये डायमंड है तो इसके चारों तरफ ये 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 और ये, यहाँ पे नीचे जितना देख रहे हैं ये अगर डायमंड यहाँ है तो इसके 1, 2, 3, 4 जितने भी डायमंड्स के चारों तरफ वाले हैं इनके सम को ऐड करने पे 20 आना चाहिए और नंबर्स जो है रिपीट नहीं हो, मतलब नंबर्स ऐसे लिखने चाहिए आपको कि ए डायमंड शेप इन द मिडिल मीन्स दैट द 4 नंबर्स अराउंड इट ऐड टू 20. ऐसे नंबर्स आपको लिखने होंगे जो 1 से 9 तक लिखने हैं, लेकिन डायमंड के अगल बगल वाले नंबर्स को ऐसे ऐड करना है कि इनके ऐड करने पे 20 आए. जैसे यहाँ से यहाँ ऐड करने पे 20, यहाँ से यहाँ ऐड करने पे 20, यहाँ से यहाँ ऐड करने पे 20, यहाँ से यहाँ ऐड करने पे 20. हर जगह जो जितने डायमंड है, ये डायमंड है इसके चारों तरफ जोड़ने पे 20, ये डायमंड है इसके चारों तरफ 20, ये डायमंड है यहाँ पे चारों तरफ काउंट करने पे 20. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला डायमंड लिया, ठीक है, तो इस डायमंड को, इफ़ यू टेक दिस डायमंड सो यू हैव टू काउंट द नंबर्स अराउंड इट. देयर इज अ नंबर 9 इज ऑलरेडी गिवन देयर. आई हैड फिल्ड विथ 8 नंबर हियर. 1 इज हियर एंड 2 इज हियर. सो लेट्स काउंट द 4 नंबर्स एंड नाउ लेट्स सी इज दिस नंबर्स कम्स इन 20 और नॉट. सो 9 and 8 = 17. ओके, 9 and 8 = 17. 17 + 1 = 18 एंड 18 + 2 = 20. सो यू कैन सी दैट कि जो नंबर हमने इसके डायमंड के अराउंड में हमने काउंट किया वो 20 के
बराबर आया। ऐसे सबके साथ है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस इज द डायमंड एंड आई एम गोइंग टू काउंट दीज नंबर्स अराउंड दिस दिस डायमंड। 7 + 3 = 10, 10 + 2 = 12 एंड 12 + 8 = 20। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी डायमंड हैं इसके शेप हैं, ऐसे नंबर्स यहाँ पे एडजस्ट किए हुए लिखे हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर आप डालेंगे उसका जो है नंबर का जो इक्वल होगा जोड़ने पे तो वो 20 ही आएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 इनटू द सर्कल्स सो दैट द सम ऑफ द नंबर इन ईच स्ट्रेट लाइन इज द सेम। यहाँ पे आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 1 से 9 तक के बीच के ही हों, लेकिन उसका जोड़ जो है, जो एक सीध वाले नंबर्स का जो जोड़ है वो आना चाहिए कितना, एकदम बराबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लैंक था और यहाँ पे 6 लिखा है, फिर 1 है, फिर 7, 6 + 1 = 7 एंड 7 + 7 = 14। कम टू द नेक्स्ट, यहाँ 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था, 2 + 8 = 10 एंड 10 + 4 = 14। ऊपर का भी 14 सीधे काउंट करने पे, नीचे का भी 14 काउंट करने पे, ओके। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये सीधे नंबर में हैं, ये सॉरी 9 + 3 = 12 एंड 12 + 2 = 14, ओके। अब फिर ये सीधे नंबर पे ये है 5 + 3 = 8, 8 + 6 = 14। सो सीधे नंबर वाले जितने भी होंगे उनको आप काउंट ऐसे करेंगे तो उनका नंबर बराबर ही आना चाहिए, और 1 से 9 के नंबर के बीच में ही इसमें नंबर होने चाहिए, कोई रिपीट नहीं होगा। सो कम टू द नेक्स्ट 4th one, कंप्लीट द ग्रिड विद द डिजिट्स 1 to 6 टू मेक सम करेक्ट। नीचे ग्रिड दिया हुआ है और बीच बीच में ब्लैंक्स हैं, उसमें आपको ऐसे नंबर लिखने हैं 1 से 6 के बीच में जो परफॉर्म ईच मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द ऑर्डर शोन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एग्जाम्पल 1 + 2 × 3 इज ट्रीटेड एज 1 / 2 × 3 = 9। सॉरी 1 + 2 है, ओके। तो इसको इस तरीके से जानेंगे, लिखेंगे। अब हम आपको सीधे सरल शब्दों में समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैंक है, फिर प्लस का साइन है, फिर ब्लैंक, फिर माइनस का साइन, फिर इनटू का साइन है, फिर ब्लैंक है, फिर डिवाइड का साइन है, ब्लैंक है, फिर इनटू का साइन है, फिर से उसके बाद ब्लैंक है, फिर इज इक्वल टू है, फिर लास्ट में 50 है। इसका मतलब इन ब्लैंक नंबर्स की जगह, सॉरी ब्लैंक की जगह पे ऐसे नंबर आपको डालने हैं जिनके जोड़ने घटाने और उनके मल्टीप्लाई करने पे और डिवीज़न करने पे आपको लास्ट में 50 मिले। तो 2 + 4 = 6 हमने नंबर डाला है यहाँ पे, 2 + 4 = 6, ध्यान से देखिएगा, 6 - 1 = 5, अब 5 × 6 = 30 एंड 30 / 3 = 10 एंड 10 × 5 = 50। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ, दिस इज द सुडोकू, दिस इज अ पजल गेम एंड लेट्स सी हाउ इज दिस गेम इज प्लेड। इस गेम को देखेंगे कि इस कैसे इसको खेलते हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 by 9 के स्क्वायर बने हुए हैं यहाँ पे, 9 by 9 के ढेर सारे, एक पूरा स्क्वायर बड़ा सा है और सब में 9 by 9 के रोज और कॉलम्स हैं, जैसे कि इससे पहले भी आपने फन विथ नंबर्स में देखा था एक। लेकिन इसमें भी वैसे ही है कि आपको नंबर्स ऐसे एडजस्ट करने हैं कि जो एक बार रोज में और कॉलम में आ गए वो दोबारा इस रो में और इस कॉलम में रिपीट नहीं होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 है आ गया, तो फिर 2 दोबारा इस रो में नहीं आना चाहिए। 4 है तो 4 इस रो में नहीं आना चाहिए, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रो की। वैसी फर्स्ट कॉलम में जो 3 ऊपर आ गया वो 3 नीचे तक कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो ये इस गेम का खासियत है, और इसमें ऐसा खेलते हैं कि नंबर्स को इधर से काउंट करें आप और इधर से काउंट करें तो इसका नंबर इक्वल होना चाहिए। इसमें भी वैसे ही है। तो इन सारे नंबर्स को हमने फिलअप कर दिया है, फर्स्ट वाले सुडोकू गेम को भी,
सेकंड को भी इसमें से हमने फिल कर दिया है, थर्ड को भी ऐसे ही किया है, फोर्थ इसलिए छोड़ दिया है वो आपके होमवर्क के लिए, आप इसमें ध्यान लगा के देखिएगा। इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन से रोज़ में, और सिर्फ नंबर ही नहीं लिखना होता है, आपको ऊपर से नीचे काउंट भी करके देखना होता है कि रोज़ और कॉलम के जो नंबर है इधर फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम के नंबर्स काउंट करने पे बिल्कुल सेम आना चाहिए। वैसे सेकंड का भी जो है वैसे ही होना चाहिए, थर्ड जितने भी हैं 9x9 सबको रोज़ और कॉलम में काउंट करने पे आपको सेम बराबर आना चाहिए। सो आई होप यू वेल अंडरस्टैंड द थिंग्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।